जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, मैं हूं हंस और आज बात करेंगे दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। काफ़ी लोग कहते हैं कि सर तलाक के बाद कब शादी करनी चाहिए। दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा, पूरा प्रोसेसिंग बताऊंगा। आप लोग ये सोचते हो कि तलाक लेते ही तुरंत शादी कर ले, काफ़ी घातक हो सकता है आपके लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखने का डिटेल में बात करेंगे पूरी। मान लीजिए आपके पक्ष में एक्सपायरिटी ऑर्डर आ जाता है। अब ये एक्सपायरिटी ऑर्डर कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, कि पहले को आपने सेक्शन 13 में जाके किया, डिवोर्स अप्लाई किया, जिसको तलाक लेना, जिसे पत्नी देना नहीं चाह रही, पति दे रहा है, ठीक है। अब आपके एक ऑर्डर उसके पास जाएगा, नोटिस, और उस नोटिस जाने के बाद पत्नी नहीं आती है तो दूसरी डेट पे वेट करता है। एक डेट के बाद दूसरी डेट पे पत्नी नहीं आए तो एक्सपायरिटी ऑर्डर आपके पक्ष में कर देता है कोर्ट। उसके आप लोग 3 महीने के बाद मतलब 90 डेज के बाद दूसरी शादी कर सकते हो। लेकिन क्या 90 डेज का टाइमिंग रहता है पत्नी के पास, ठीक है। अब 90 डेज के बाद भी वो कर सकती है, ऐसा नहीं कि 90 डेज के बाद 90-90 दिन से पहले तो आप शादी नहीं कर सकते, लेकिन 90 डेज के बाद आप कर भी लोगे ना शादी तो भी उसके पास अधिकार होता है। लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 में उसके पास ये अधिकार है कि वो उसमें कोई रीजन प्रॉपरली देखे। हालांकि करती नहीं, कोई लड़कियों को नहीं कर पाती प्रॉपर 90 डेज के बाद, लेकिन पहला रीजन ये होता है कि वह कर सकती है। उसके बाद भी लिमिटेशन एक्ट में जाके सेक्शन 12 में जाके वो उसको खारिज भी करा सकती है। लेकिन दूसरा टॉपिक पे बात आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्ती, कि आप एक्सपायरिटी तलाक लेना चाहते हैं, ठीक है। एक्सपायरिटी की पहली डेट पे आपकी पत्नी हाजिर नहीं होती है, नोटिस भी मिल जाता है, लेकिन उस डेट पे आपकी वाइफ आई नहीं है, और एक फिर 1 महीने के बाद दूसरी डेट आती है तो उस डेट पे आपकी वाइफ आ जाती है, तो वाइफ के जो आपके एक्सपायरिटी होने जा रहा था तलाक उसको रोक सकती है वह, ठीक है। ऑर्डर 9 रूल 13 के तहत उसको वह खारिज करा सकती है, ठीक है। फिर भी आपका केस चल रहा है, मान लीजिए आपके पक्ष में फिर भी आ जाता है तो फिर आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद मान लीजिए पत्नी ने एक्सपायरिटी को रोका आने के कोर्ट में आके, उसको खारिज कराया ऑर्डर 9 रूल 13 के तहत उसने खारिज कराया उसको, तो उसके बाद आपको 3 महीने का इंतजार, 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा अगर आपके पक्ष में आ गया तो। तो इतना इजीली नहीं होता है दोस्तों कि आप तलाक ले लोगे, तलाक के बाद फिर वापस सेकंड मैरिज करना चाह रहे हो तो उसमें भी काफ़ी लफड़ा होता है। वाइफ के पास 90 डेज का और 6 महीने का टाइम, मतलब 3 महीने का और 6 महीने का टाइमिंग होता है। उसके बाद भी लिमिटेशन एक धारा 5 के तहत उसे भी आगे जाकर भी खारिज करा सकती है। तो ये एक ऐसी गले की हड्डी कि आप तलाक भी ले लिए और उसके बाद भी आपको डर रहेगा। लेकिन हालांकि ये हाई कोर्ट में होता है, उसका जो रिविजन एक्ट करना उनको चैलेंज करना होता है वो हाई कोर्ट में होता है। अब आप मान लीजिए यूपी जैसे यूपी दिल्ली से बिलोंग कर रहे हो तो इस सिचुएशन क्या होता है, हाई कोर्ट यहाँ के बहुत बिजी शेड्यूल होते हैं, यहाँ पे डेट आना बहुत महंगी हो जाती है, तो कई लड़कियाँ प्रॉपर से उसको कन्विंस नहीं कर पाती, चैलेंज में नहीं कर पाती है। और मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि 90% लड़कियाँ नहीं करती, जब एक बार तलाक हो जाता है तो वो दोबारा ट्राई नहीं करती है, कि अब जब तलाक ही हो गया तो फिर चैलेंज करने में कोई फ़ायदा नहीं होता है। और ये बात भी सत्य है कि अगर आपका तलाक हो जाता है तो फिर उसके बाद आप जोर जबरदस्ती कर रहे हो तो उसमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अगले ने चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, जब आपको तलाक दे दिया है तो फिर आप दोबारा कोशिश मत कीजिए कि रिश्ता बन जाए। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपके कोई भी डाउट है तो सवाल कमेंट में जरूर पूछें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद वंदे मातरम।